नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार आप सबका बुक्स वाले भैया पे। आई एम अभिषेक। आज भारत अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल अपनी आज़ादी के मना रहा है, और इस संदर्भ में मैं आपको कुछ ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपको भारत के विभाजन, भारत की आज़ादी और भारत के विभाजन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स बताती हैं। देखते रहिए। पहली किताब जो इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की किताब। ये हिंदी में भी उपलब्ध है, इसका नाम है आज़ादी आधी रात को। ये शायद सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भारत के आज़ादी पे, और ये दो फॉरेन ऑथर्स ने लिखी है। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये किताबें बहुत इनसाइट्स, बहुत डिटेल्स देती हैं आपको, क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रहे उस भारत की आज़ादी के टाइम। 1946 या 45 के आसपास की बात है जब ब्रिटेन में ये समझा जाने लगा कि अब भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। उस समय से लेकर आप समझ सकते हैं भारत की आज़ादी तक, और महात्मा गांधी के मर्डर और नाथुराम गोडसे की हैंगिंग पर जो उनको बाद में हुई थी, उस पीरियड को कवर करता है। बहुत सी इनसाइट्स मिलती हैं कि ब्रिटिशर्स के क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने क्या क्या एक्शंस करे, भारतीय नेताओं ने खासतौर पर। तो मैं कहूँगा ये एक बुक है पर्सनैलिटीज के बारे में, क्योंकि ये जो उस समय के एक मुख्य किरदार थे, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, उन सब की भूमिका को बहुत ही अच्छे से इस किताब में दर्शाया गया है, और क्या सिचुएशंस रही उस वक्त, क्या चैलेंजेस रहे हमारे नेताओं के सामने, ये उन बातों को भी बहुत अच्छे से दर्शाती है। और कुछ ऐसी इंसाइट्स आपको मिलती हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने आना शुरू किया, भारत ने पहला कदम रखा, तो जिस उद्देश्य से वो आए थे, जिस मकसद से वो आए थे, उसमें एक मुख्य बात आती है कि बहुत से बच्चों ने, जी हाँ, ब्रिटिशर्स के बच्चों ने अपनी जान गंवाई, क्योंकि वो भारत की सिचुएशन, भारत के क्लाइमेट से अभ्यस्त नहीं थे, और बहुत सी बीमारियां और जो सब यहाँ पे थे। तो ये एक वो आप समझ सकते हैं कीमत बताती है जो ब्रिटिशर्स ने भी चुकाई ब्रिटेन को एक सुपर पावर बनाने के लिए। अगर हम इस बुक की मेन डिटेल्स पर आएं तो जी हाँ, आपको बहुत सी इंसाइट्स देती है भारत की आज़ादी के बारे में, और जैसा मैंने कहा पर्सनैलिटीज़ के बारे में। लेकिन इस बुक का एक जो मैं कहूँगा ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये बुक बायस्ड है। जी हाँ, ये फॉरन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है। आप इसको कह सकते हैं ब्रिटिश पर्सपेक्टिव बताती है आज़ादी के बारे में, अगर ब्रिटिशर्स खुद ही बताएंगे तो उनके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं करा था। तो उदाहरण के तौर पर बुक बहुत ज़्यादा बायस्ड है लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर, उनको बहुत, हम कहें कि बहुत ही प्रशंसा करती है किताब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की, उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। लेकिन आज बहुत सी और लेखों के द्वारा, किताबों के द्वारा ये बात स्पष्ट है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के दोस्त नहीं थे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए वहां पे थे, वो खुद एक ब्रिटिश सर्वेंट थे, और वो सिर्फ वो कर रहे थे जिससे ब्रिटिशर्स को फायदा हो। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि जिस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पूरे विभाजन को, आज़ादी और विभाजन को मैनेज करा, वो बहुत ही एक मिसमैनेज्ड था, बहुत ही खराब तरीका था, और भारतीयों और पाकिस्तानियों ने उसकी कीमत चुकाई वो पार्टीशन को रोकने के लिए, या कम से कम उसको बेटर मैनेज करने के लिए कुछ कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं करा, उसकी कीमत हम लोगों ने चुकाई। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और एक बहुत ही दूरदर्शी और एक महान सिविल सर्वेंट थे। तो ये एक ड्रॉबैक है बुक का, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा इस बुक में बहुत से इनसाइट्स हैं उस समय के भारत के बारे में, उस समय के इवेंट्स के बारे में। तो यदि आप रुचि रखते हैं इतिहास में तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। दूसरी बुक जो भारत के आज़ादी पर मैं रिकमेंड करूंगा वो है द पार्टीशन ऑफ इंडिया एन इंक्वेस्ट बाय माधव गोडबोले। माधव गोडबोले जी एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ये पुस्तक आप कह सकते हैं कि उस गैप को पूरा करती है, उस कमी को पूरा करती है जो डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की बुक में है, फ्रीडम एट मिडनाइट में। यह बुक बायस नहीं है किसी के लिए भी, खास तौर पर ये ब्रिटिशर्स और लॉर्ड माउंटबेटन को बहुत क्रिटिसाइज करती है, और ये फैक्ट्स वैसे रखती है जैसे कि वो हैं। वो इनको, लॉर्ड माउंटबेटन को क्रिटिसाइज करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, और वो दिखाते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भारत और पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। ये भी बहुत हद तक उन काफ़ी सारी इवेंट्स को बताती है कि जो जो उस समय हुए, जो आप और भी कई पुस्तकों में पाएंगे जो 1945-46 से लेकर भारत की आज़ादी तक रहे। बट जैसा मैंने कहा, ये आपको, मैं कहूँगा बुक ज़्यादा सही से सच दर्शाती है कि क्या सिचुएशन रही थी, और क्या विभिन्न नेताओं का, जो प्रोमिनेंट नेता थे, उनका क्या रोल रहा था। इसमें सबसे प्रोमिनेंट चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हैं, जिसमें एक में वो इस ब्रिटिशर्स की गलतियों को, कमियों को सही से बताते हैं, और छठे चैप्टर में
वो आज की प्रॉब्लम्स को देखते हैं पार्टीशन के पर्सपेक्टिव पे, जैसे कम्युनल स्ट्राइफ की प्रॉब्लम, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स, हिंदू मुस्लिम रिश्तों को, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स को पार्टीशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो इस बुक को मैं कहूँगा अपने इस समय के लिए भी बहुत एक रेलेवेंट बुक बनाता है। तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। मैं खासतौर पर कहूँगा चैप्टर 5 और 6 को खासतौर पर पढ़ें, क्योंकि बहुत से वो सिर्फ इतिहास को नहीं देख रहे, वो वर्तमान प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी देख रहे हैं कि इसके संदर्भ में हम आज की सिचुएशन को और आने वाले भारत को किस तरह से देखें। तीसरी बुक जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये बुक लिखी है नरिंदर सिंह सरेला, जो लॉर्ड माउंटबेटन के ADC थे और बाद में एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर बने और कई कंट्रीज में भारत के एम्बेसडर भी रहे। ये बुक एक खास एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा फोकस करती है, और ये एस्पेक्ट कोई नया एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी उसका भारत के विभाजन से क्या लेना देना था। जी हाँ, और ये बात सच है कि ब्रिटेन जो अपनी पावर खो रहा था, और ब्रिटेन का रशिया या जो वक्त USSR था उससे कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों के बीच स्ट्रगल था कि एक सुपर पावर बने, तो ब्रिटेन ने अपनी अपनी इस पावर को बरकरार रखने के लिए वो भारत के एक भाग में अपना कब्जा बाद में भी चाहते थे, जिससे कि वो रशियन एडवांसेस को, रशिया के द्वारा की गई मिलिट्री ओवरचेस को रोक सके। और ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि अगर हम भारत को आजाद करते हैं तो भारत की लीडरशिप उन्हें कभी ऐसा नहीं करने देगी, इसलिए आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम लीग और मोहम्मद जिन्ना का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था पाकिस्तान बनाने में, लेकिन ये इस बात को उजागर करती है कि ब्रिटेन का अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा भारत का विभाजन करने में, क्योंकि वो अपने डिप्लोमेटिक अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना था और एक बफर स्टेट के तौर पर एक भाग चाहते थे जहां से वो अपनी पावर को बरकरार रख सके। तो जी हाँ, इंपीरियलिस्ट ड्रीम्स और कैपिटलिस्ट ड्रीम्स आप कह सकते हैं, जिन्होंने एक अहम रोल प्ले करा भारत के पार्टीशन में, वो इस बुक में आपको काफी डिटेल में मिलेगा। लेकिन ये बुक भी एक ड्रॉबैक के साथ है, वो ये है कि सरप्राइजिंगली नरेंद्र सिंह सरेला लॉर्ड माउंटबेटन को उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि शायद उनकी तारीफ ही करते हैं जो उनका रोल रहा था। तो आप कह सकते हैं बिकॉज उन्होंने माउंटबेटन के साथ काम करा था तो शायद वो उनको उसमें नहीं क्रिटिसाइज करना चाहते थे। बहरहाल ये बुक विभाजन के जो बहुत मुख्य रीजन है अदर देन मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बहुत अच्छे से फोकस करती है, और यदि आप सही मायने में समझना चाहते हैं भारत के आजादी विभाजन को, इस बुक को भी जरूर पढ़िए। तो तीन किताबें, तीनों किताबें अपने अपने कुछ ना कुछ बायस और कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स के साथ हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप भारत की आजादी के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो इन तीनों ही किताबों को जरूर पढ़िए, आपको बहुत सी इनसाइट्स, बहुत सा ज्ञान मिलेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसको थम्स अप कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए और बताइए यदि आप और की बुक में से रिव्यू करवाना चाहते हैं। एक बार फिर से आपको भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।